नमस्कार, आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का सुपर फास्ट टेस्ट पढ़ने वाले हम लोग, और डेली रात को 9 बजे अपनी क्लास होती है लाइव, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। देखना है कि आप कितने प्रश्न इसमें सही कर पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये देखना होगा। अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस एग्जाम की तैयारी, देखो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग PTT एग्ज़ाम की तैयारी करें, या फिर वनपाल वन रक्षक की करें, या फिर किसी भी अन्य भर्ती जैसे रीट है या LDC वगैरह की है, तो आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। रात को 9 बजे हम राजस्थान GK का टेस्ट पढ़ते हैं। चले दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाता है कि भी मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा था? फारसी इतिहासकारों ने, अबुल फजल ने, राणा प्रताप ने, अल बदायूनी ने। जी हाँ प्यारे साथियों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अल बदायूनी सही उत्तर हो जाएगा। सर अल बदायूनी हो जाएगा क्या? हाँ जी, ये अल बदायूनी जो था, ये प्यारे साथियों अगर देखा जाए तो अकबर के समय का था। किसके समय का था? अकबर के समय का था, आप सभी को पता होगा। इसने महाभारत का फारसी में अनुवाद भी किया था। और एक चीज़ और क्लियर कर लो कि अबुल फजल ने मालदेव को असमत वाला शासक कहा था। असमत वाला शासक किसने कहा था? इस मालदेव को ये कहा था अबुल फजल ने, और फरिश्ता भी तो कहा था ना अबुल फजल ने। जी हाँ, कहा तो था। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? बताइए कितने। देखो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, आपको एंड तक जुड़े रहना होगा इस क्लास के, और देखना है कि आप रियल में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। बिल्कुल, अर्थशास्त्र, महाभारत, पुराण और रामायण, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। महाभारत में बैराट का उल्लेख मिलता है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास है ना? वेदव्यास है ना? बिल्कुल सर, वेदव्यास है। वाल्मीकि किसके? सर वाल्मीकि तो रामायण के भैया, किसके? रामायण के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई भारमल आमेर राज्य का शासक बनता है। पता है आप सभी को कि भारमल ही कछवाहा शासक है जो मुगलों के चंगुल में आते हैं। सबसे पहले वो, मतलब ये कछवाहा राजा है राजस्थान के पहले राजा जो मुगल के चंगुल में फंसते हैं, तो 1547 को ये शासक बन जाते हैं। मतलब राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और 1500 कब, देखो कब मिलते हैं वहाँ पे अपने उसके साथ, 1560 के आसपास में उनके साथ मिलते हैं अकबर के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इन्हीं को बिहारी मल भी कहा जाता है, भारमल को। किसने करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की थी? बताइए, ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना तिलोक चंद माथुर ने की। किसने की? तिलोक चंद माथुर ने की। प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। कब की ऐसा अगर क्वेश्चन करा जाए तो 1938 में करी, ठीक है। और अगर देखा जाए कि भाई इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो अभय सिंह डांगी को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1137 ईस्वी में कछवा वंश के किस शासक ने आमेर राज्य की स्थापना की थी? कोकिल देव ने, मीर भोज ने, धौला राय ने, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा धौला राय। क्या हो जाएगा? धौला राय कह लो, या फिर दुल्हे राय कह सकते हो इसको, आप दुल्हे राय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। दोसा के बड़गुजरों को इन्होंने हराया था। सबसे पहले इन्होंने रामगढ़ पर अधिकार किया। किस पर? रामगढ़ पर, ठीक है। और रामगढ़ को बाद में जमुआ रामगढ़ के नाम से भी पुकारा गया था। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष में की गई थी? 1934 में, 30 में, या 40 में, या 1932 में? देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर करी गई, ऐसा अगर क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप लोग धौलपुर कर लेंगे। अगर क्वेश्चन करा जाए कब करी, तो 1934 ईस्वी में करी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन भी था। निम्न में से किस शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए? निम्न में से कौन सी शंख लिपि के प्रचुर संख्या में हमें प्रमाण उपलब्ध हुए, मतलब ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बैराट, सॉरी कहाँ पर, यहाँ पे लिखना था निम्न में से कहाँ पर शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए, ये बैराट में हुए। बैराट देखो अलवर के पास में है, अलवर के पास है, लेकिन है जयपुर के अंतर्गत आता है, ये क्षेत्र जयपुर के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान में छप्पनिया अकाल कब घटित हुआ था?
छप्पनिया अकाल। देखिए ये अकाल था लेकिन इसको नाम दिया गया था छप्पनिया अकाल विक्रम संवत के अकॉर्डिंग। विक्रम संवत जो सन चल रहा, विक्रम संवत जो चल रहा था उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया था। तो विक्रम संवत उस समय था 1956, ठीक है 1956 था, तो कहीं ना कहीं 1899 या 1900 ही था ये एडी, तो यही वर्ष था, सन वाला तो यही था ना, सी ऑप्शन बिल्कुल। तो ये 1956 विक्रम संवत में ये हुआ था और इसलिए जो है क्या हो गया था इसका नाम ये हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि दैनिक नवज्योति का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। दैनिक नवज्योति का प्रकाशन जो है ना ये कब आरंभ हुआ, आज भी आप लोग पढ़ते हैं दैनिक नवज्योति, इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था कब, स्वतंत्रता के समय, उससे भी कुछ समय पहले 1936 में, बी ऑप्शन अजमेर से इसका इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, और 2 अक्टूबर के दिन हुआ था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी। देखिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है, वैसे अगर देखा जाए तो कहाँ पर की थी, वर्धा में की थी। वर्धा कहाँ पे, MH में, महाराष्ट्र में है, ठीक है, और सबसे पहले करी थी 1919 में, ठीक है। सबसे पहले कब करी थी, अगर ऐसा क्वेश्चन करे तो 1919 कर लेंगे आप लोग। अगर कहे कि भाई स्थानांतरित कहाँ पर करी, तो स्थानांतरित करी अपने अजमेर में। बोले सर कब करी, ऐसा क्वेश्चन करे तो 1920 में यहाँ पे स्थानांतरित करी। इसमें जो सहयोगी थे विजय सिंह पथिक एंड सन्स थे, विजय सिंह पथिक एंड सन्स मतलब इनके और भी साथी लोग थे, ओके। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की निम्न में से मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का बोध किस शिलालेख से होता है, यह आप सभी को बता देना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बर्फत का लेख। किसका लेख, बर्फत का लेख हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध सिकंदरा कहाँ स्थित है। लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध सिकंदरा जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दौसा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, दौसा हो जाएगा। लाल पत्थर के लिए जो प्रसिद्ध सिकंदरा ये दौसा में है, और एक लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है बंसी पहाड़पुर। क्या है, बंसी पहाड़पुर है जो कि अपने भरतपुर के अंतर्गत पड़ता है बंसी पहाड़पुर, ये भी लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखो दोस्तों अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कोपेन के जो भी है ना ये कोपेन के जलवायु प्रदेश ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा टाइम पर, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में आजकल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ पे आप सभी का सुमेलित नहीं है, वो है अपना बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1713 ईस्वी का दक्षिणामूर्ति लेख कहाँ स्थित है। 1713 ईस्वी का है, अगर समझ नहीं आए कि भाई कब का है दक्षिणामूर्ति, तो 1713 का है, कहाँ पर स्थित है, बोले सर ये उदयपुर में स्थित है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बन जाते हैं अगर आप सही से इसको याद करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर नंबर 15 है, इंडिया स्टेट, देखिए ज़रा ध्यान देना, ये हिस्ट्री से अलग ही है क्वेश्चन, मतलब भौतिक दृष्टि का हो गया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 ISFR, ठीक है, मतलब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती कहाँ से, बोले सर देहरादून से आती। कहाँ से आती है, देहरादून। देहरादून कहाँ है सर, ये उत्तराखंड में। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे देखिए वन अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे, ठीक है, पहला वो भी भारत का, ठीक है। तो यहाँ पे 9.57% अपने राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है, किसके अनुसार, ISFR के अनुसार, और कब की बात है, 2017 की रिपोर्ट बता रहे हैं, हालांकि 2019 की भी रिपोर्ट आ चुकी है वैसे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि भाई राज्य के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे, मतलब कि जो भी राजस्थान के जो राजपूत थे ना ये सबसे पहले किसके सामंत हुआ करते थे। बात है दोस्तों प्राचीन काल से लेकर मतलब 12वीं सदी तक की है, प्राचीन काल 600 ईस्वी में शुरू हो जाता है, जैसे उत्तरवेदी काल ऋग्वेदी काल पहले, फिर उत्तरवेदी काल कंप्लीट होता है, ठीक है। देखो 1500 से ऋग्वेदी काल जैसे हो गया, उसके बाद 1500 से लेकर कब तक है, 1000 तक, ठीक है, और 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक क्या है, उत्तरवेदी काल, जैसे उसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है अपना 600 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक,
क्या आ जाता है, ये प्राचीन काल आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो प्राचीन काल में ये प्रतिहारों के सभी क्या हुआ करते थे, 10वीं सदी तक प्रतिहारों के सभी सामंत थे। कहा जाता है कि गुहिल भी सामंत थे इनके, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्राचीन नाम से हयहय प्रदेश जो था वो कौन था, कौन सा प्रदेश था। हयहर प्रदेश के नाम से जो क्षेत्र कहलाया करता था, अलवर भरतपुर का क्षेत्र, कोटा बूंदी का क्षेत्र, गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र, या झालावाड़ बांसवाड़ा का क्षेत्र। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कोटा बूंदी का क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान भी आप कह सकते हैं, वैसे कई बार अपन ने पढ़ा इसको, ठीक है। और अलवर भरतपुर के क्षेत्र को आप मेवात प्रदेश भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप इसको हनुमानगढ़ को योधेय प्रदेश भी बोल सकते हैं, योधेय प्रदेश। और इन दोनों के क्षेत्र को थली प्रदेश भी बोल सकते हैं, थली क्षेत्र, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भी राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी माता का प्राचीन मंदिर जो है ना, ये कहाँ पर है। बोले सर ये मंदिर बांसवाड़ा के तलवाड़ा में। वैसे तिलवाड़ा तो यहाँ पे अपने बाड़मेर में, तिलवाड़ा कहाँ पे, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो कि काफ़ी पुरानी मध्य पाषाण काल की जैसे सभ्यता मान सकते हैं। तो तलवाड़ा के उमराई में ये मंदिर है अपना, कहाँ पे, बांसवाड़ा के तलवाड़ा के उमराई में ये मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। यहाँ पे प्राचीन काल में शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी, ठीक है, विष्णुपुरी, ये तीन नामक चोटियाँ हुआ करती थी इसके पास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो कहीं कोई कोई किताबें बोलती है कि भाई ये किलों के नाम थे, कोई चोटियों के नाम बोलते हैं, पर्वत चोटियों, तो आप जो भी है ये याद रखना, अपन इतना ही याद रखेंगे कि माता का मंदिर कहाँ पे, तलवाड़ा उमराई बांसवाड़ा में, ओके। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, हाँ बिल्कुल, जो कि पांचाल जाति की कुलदेवी भी मानी जाती है और वसुंधरा राजे भी अपनी इष्ट देवी भी मानते हैं इनको, चलिएगा। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, तो जोरावर सिंह बारठ, जो रास बिहारी की, मतलब कहा जाता है कि भाई उनकी योजना थी और बम फेंकने वाले थे जोरावर सिंह बारठ। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ये, मतलब रास बिहारी जो बोस थे ना, उन्होंने ये योजना बनाई थी, इस योजना को मूर्त रूप दिया था। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह को बम फेंकने की जिम्मेदारी थी लेकिन जोरावर सिंह ने बम फेंका था, और ये बम फेंका था 1912 ईस्वी में, ठीक है, 12 ईस्वी में फेंका था बम, और चांदनी चौक पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन मंदिर किसने बनाया था। जगन्नाथ राय जो है, प्यारे साथियों देखिए, जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन मंदिर किसने बनाया था, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा राज सिंह ने, या महाराणा कर्ण सिंह प्रथम ने। तो राइट आंसर महाराणा जगत सिंह प्रथम हो जाएगा, जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन मंदिर। इसकी बात करें तो इसके सूत्रधार जो थे, जो वो केवन के रात दिन माते उबोड़ा काम कराए, जगह कुणहा भाणा मुकुंदा, ठीक है, भाणा वे मुकुंद दोनों थे। और इनके साथ बात करें, यहाँ पे जगन्नाथ प्रशस्ति भी है, उस प्रशस्ति के लेखक की बात करें, कृष्ण भट्ट इसके लेखक हुए, ओके सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ, कृषि का आविष्कार किस काल में माना जाता है, तो ये सभी नवपाषाण काल में माने जाते हैं, ठीक है, नवपाषाण काल में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही माना जाता है, ओके सर। अगला क्वेश्चन, राज्य के एकीकरण के चतुर्थ चरण जिसको हम कहते हैं वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहाँ पर किया गया, ये आप सभी को बताना है, और राइट आंसर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया, प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। देखो क्या है, एकीकरण के चतुर्थ चरण, और चतुर्थ चरण में ही आपको याद होना चाहिए कि जयपुर जैसलमेर और जोधपुर और बीकानेर, जे 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 बी को शामिल किया था, मतलब यहाँ पर लगा था कि भाई संपूर्ण राजस्थान अब अस्तित्व में आ रहा है कहीं ना कहीं,
और राज प्रमुख की बात करें यहाँ पे किसको बनाया था राज प्रमुख, बोले सर जय सिंह द्वितीय को, सॉरी मानसिंह द्वितीय को, ठीक है मानसिंह द्वितीय को बनाया था। ये चीज़ें ध्यान रखना, मतलब सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुंज विहार का चित्र किस चित्र शैली का है, मतलब ये बताना है आपको कौन सी चित्रकला स्कूल का है कुंज विहार का चित्र, कुंज विहार का चित्र कौन सी चित्रकला शैली का, ये आप लोगों को बताना है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन अलवर शैली का। किसका है? अलवर शैली का है प्यारे साथियों। अगर इसके बारे में बात करें कि भाई यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार जो हुए वो कौन थे, बलदेव को याद रखेंगे, डाल चंद को याद रखेंगे, नानग राम को भी याद रखेंगे, ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलवर से रिलेटेड। शिवी जनपद सिक्के राजस्थान के कौन से शहर से प्राप्त हुए, ये आप सभी को बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नगर कहाँ पे? नगर सर टोंक में है। नगरी कहाँ पे है सर? चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़ में है। तिलवाड़ा कहाँ पे सर? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और जोधपुर तो भैया अपने जोधपुर में से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शिवी जनपद सिक्कों की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि भाई मिहिर और ग्रह दो शब्दों से मिलकर बना दुर्ग कौन सा है, मिहिर और ग्रह दो शब्दों से मिलकर बना जो दुर्ग है, मोहनगढ़ किला होगा या जोधपुर किला या जैसलमेर किला या कुंभलगढ़ किला। देखो वैसे जैसलमेर किले के नाम की बात करें सोनार किला ही बोलते हैं उसको, बाकी उसका कोई नाम नहीं है। सोनार किला, जैसलमेर किले को सोनार किला बोलते हैं। कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है इसको कुंभलगढ़ ही बोलते हैं। जोधपुर के किले को मेहरानगढ़ बोलते हैं, मेहरानगढ़, ठीक है। और मोहनगढ़ किला जो कि माना जाता है कि राजस्थान का और इंडिया का सबसे अंतिम में बना दुर्ग है, मतलब नवीनतम दुर्ग इसको माना जाता है, तो ये जैसलमेर में है। हालांकि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर का किला जो है ना मेहरानगढ़, इसको मीर और ग्रह दो शब्दों से मिलकर बना, इसको आप गढ़ चिंतामणि भी बोलते हैं, गढ़ चिंतामणि भी बोलते हैं इस किले को। इस किले को आप सूर्यगढ़ भी बोलते हैं, सूर्यगढ़। इस किले को आप छिड़ियाटूक पहाड़ी पर बसा दुर्ग भी बोलते हैं, कागमुखी भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो यार, काफ़ी नाम है। किस खेल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया है? कितना आसान सा क्वेश्चन है। 1948 में इसको राज्य खेल घोषित कर दिया था, राज्य खेल। कई बार फिर भी है जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं काफ़ी मेरे दोस्त जो कि भाई कौन सा है कौन सा नहीं, बास्केटबॉल हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन है हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब कि हल्दीघाटी युद्ध को लेकर अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन मकसद कह सकते हैं, पर्पज़ कह सकते हैं, वो क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन करना, कहीं ना कहीं यही था। बाकी इसका कोई किसी भी प्रकार का नहीं था। बाकी हर प्रकार में हर किसी के साथ कोई अलग उद्देश्य हो सकता था, कोई अलग कारण बना होगा, लेकिन राणा प्रताप को अधीन करना, ये राणा प्रताप के प्रति बस यही उद्देश्य था कि राणा प्रताप मेरे अधीन हो जाए, बस फिर है जो बल्ले ही बल्ले, लेकिन हुए नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से देश का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे प्राचीनतम किला इनमें से जो ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो देखो नारगढ़ 18वीं सदी में बना, ठीक है, सीवाना 14वीं सदी में बना, मेहरानगढ़ 16वीं सदी में बना आप कह सकते हैं, सॉरी 15वीं सदी में बना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का किला 8वीं सदी में बना, तो इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला, ओके। लेकिन इससे भी पुराना किला है हमारे राजस्थान में, उसका नाम है भटनेर दुर्ग, वो बना है 285 ईस्वी में। कब बना? 285 ईस्वी में भट्टी नामक हुए थे शासक, ठीक है, उसने बनाया था, ओके ओके सर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुंभकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है, कुंभकालीन रणकपुर लेख। देखो रणकपुर लेख कब का है? कुंभा के समय का। किसके समय का है? कुंभा के समय का है, ठीक है। और उसमें इस बूंदी को क्या नाम दिया हुआ है? वृंदावली दिया हुआ है। अरे वाह मजा आ गया, मतलब है ना वृंदावली नाम दिया हुआ है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है कि भी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, ये हमने पढ़ भी लिया है,
इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1919 में इसकी वर्धा में इसकी स्थापना होती है, 1920 में इसको अजमेर में स्थापित किया जाता है, वापस आप कह सकते हैं स्थानांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भी 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। 2018 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। देखो सर्वाधिक की बात कर ले आप लोग तो डूंगरपुर आवे साहब, सर्वाधिक में कौन आ गया, डूंगरपुर आया करे 994 रोए, मतलब अटे एवरेज बिल्कुल है जो है नहीं आप कह वो तो तराजू एकदम थोड़ा बहुत फर्क है तराजू में 6 ग्राम रोड सिर्फ है नहीं, लेकिन धौलपुर में काफ़ी फर्क है साहब। सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ पे 846, ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, सर प्रताप सिंह ने 1900 ईस्वी में जोधपुर रिसाला लेकर कहाँ युद्ध गए, कहाँ युद्ध करने गए थे। सर प्रताप सिंह 1900 ईस्वी में है ना, 1900 ईस्वी में जोधपुर गए थे और जोधपुर के थे और रिसाला लेकर गए थे युद्ध करने के लिए, चीन गए थे, ठीक है, कहाँ गए थे, चीन गए थे, और फिर वापस जब आए ना तब अंग्रेजी सरकार ने इनको मतलब सम्मान भेंट किया था, इनको क्या किया था आपको पता है, उस एक झंडा दिया था इनको, ठीक है, और उस झंडे पर लिखा था चाइना 1900 लिखा कर दिया था, ठीक है, तो ये सम्मान रूपी इनको दिया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से राय सिंह की प्रशस्ति 1593 ईस्वी का रचयिता कौन है। राय सिंह प्रशस्ति कृष्णदेव भट्ट, अरे ऑप्शन में नहीं यार, ऑप्शन तो पढ़ो हैं, ऑप्शन तो आप लोग पढ़ते नहीं हो है ना। जैन मुनि जैता भी लिखते हैं कहीं पे, कहीं पे जैता भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज ना होइएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, 1593 ईस्वी की है ये। और राय सिंह प्रशस्ति कहाँ पे, जूनागढ़ कहाँ पे सर, बीकानेर में, बस इतना ही है सर, हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखों में से अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक सतीश चंद्र सुमित सरकार, आरसी मजूमदार, रीमा हुजा, जी बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है रीमा हुजा, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठा एंड मुगल अंपायर्स किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। रीमा हुजा ने तो अपने बात कर ली कि सर रीमा हुजा ने तो लिखा ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी राजस्थान का इतिहास लिखा, ठीक है, राजस्थान का इतिहास इन्होंने भी लिखा। मराठा एंड मुगल अंपायर्स की बात करें तो ये लिखा है डॉक्टर वी एस भार्गव ने, मराठा एंड मुगल एम्पायर, ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और केसी गुप्ता ने क्या लिखा, मेवाड़ एंड द मराठा। और बस जो था मैंने बता दिया आपको काफ़ी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, और नीमराणा होगा, ग्रेनाइट होगा, तांबा होगा या उपरोक्त सभी होगा। बोले सर नीमराणा हो जाएगा राइट आंसर, यान जी नीमराणा। नीमराणा कहाँ पे सर, अलवर में, चलो नीमराणा अलवर में है। और बस इतना ही बहुत है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और राइट आंसर देखो चित्तौड़गढ़ का खैराबाद नहीं रखा था, रणथंबोर का भी खैराबाद नहीं रखा, सीवाना का खैराबाद रखा 1308 में। बताइए यही होगा ना राइट आंसर या कोई अलग होगा, अगर अलग होगा तो आप लोग बताइए ज़रूर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और खिजराबाद तो उसका रखा था अपने चित्तौड़गढ़ का, और उसने मोमदाबाद भी रखा था, उसने उदयपुर का नाम मोमदाबाद रखा था अकबर ने, आपको याद हो तो। ओरिजिन ऑफ राजपूत ग्रंथ के लेखक की बात करें तो दशरथ शर्मा हो जाएगा,
सर सही है क्या? अरे गलत बता रहे हो आप लोग सर, आर बी सिंह नहीं होगा क्या? अरे नहीं, आर बी सिंह ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ चहमान, हिस्ट्री ऑफ चहमान कहो या फिर चौहान कहो, लेकिन उन्होंने हेडिंग दी थी हिस्ट्री ऑफ चहमान। और दशरथ शर्मा ने लिखा था अर्ली चौहान डायनेस्टिक, अर्ली चौहान चौहान डायनेस्टिक, ठीक है। और आसोपा हो जाएगा आपका राइट आंसर बी ऑप्शन, बिल्कुल आसान है ना। राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला सर प्रतापगढ़ है। जी बिल्कुल प्रतापगढ़ है आपका राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ 71,807 है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जल्दी बताओ? कोटा है या जोधपुर है या अजमेर है या फिर है जो जयपुर है, जल्दी बताइए कौन सा है, मतलब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताना ज़रूर बताना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हीरा खनन हेतु केसरपुरा गांव कहां पर प्रसिद्ध है? वैसे केसरपुरा गांव और भूकिया गांव आपको पता ही होगा, भूकिया आनंदपुरा, भूकिया आनंदपुरा, ये अपने कहां पे, सॉरी भूकिया आनंदपुरा जो है ना ये तो अपने बांसवाड़ा में, और केसरपुरा जो है ये प्रतापगढ़ में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा केसरपुरा, ठीक है। और वैसे देखो भूकिया और आनंदपुरा जो है ना ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना का मतलब सोना यहाँ पर निकाला जाता है, लेकिन केसरपुरा जो है ना ये हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध, तो ये प्रतापगढ़ में। हालांकि इंडिया की बात करें इंडिया लेवल पर कि भाई हीरा खनन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो एमपी में होता है हीरा खनन सर्वाधिक, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए तो दोस्तों आज अपन ने पढ़े हैं 40 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चन आपको मैंने पूछा था कि एडवर्ड बांध किस बांध को, एडवर्ड सागर बांध किस बांध को कहा जाता है, तो गैप सागर हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे सही जवाब देने वाले कुछ जो नाम है वो इस प्रकार से हैं, आप इसको देख सकते हैं। आर गुर्जर सबसे फर्स्ट में दे रखा है ऑप्शन, सबसे फर्स्ट में दिया है आंसर। सेकंड अतिथि मीना, थर्ड सुमन कुमारी, अफसाना खान, टीना राठौड़, राखी पारिक, रानी राजपूत, जय माता दी एंटरप्राइजेज, रूपल परियार, मम्मी का मगरमच्छ। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहें। लेकिन अब कुछ दिन के लिए आपके लिए लिस्ट नहीं आने वाली, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको ज़रूर देते रहूँगा आपको लास्ट का, लेकिन ये लिस्ट जो है कुछ दिन के लिए ऑफ रहेगी अभी के लिए, बाकी शुरू कर देंगे जल्दी वापस। अभी मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से ये लिस्ट आपके लिए नहीं आने वाली अभी, लेकिन आप इसका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप ये जो लास्ट का क्वेश्चन पूरी क्लास की भूमिका निभा लेता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कई बार ये लास्ट के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान एकीकरण के समय जयपुर सॉरी मेवाड़ के महाराणा कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। उम्मीद करूँगा आप इसका जवाब बाहर कमेंट में दो या फिर लाइव में दो, जहाँ पर भी दो। और बाकी जो है अगर आपका राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हो तो आपके लिए मैंने आज पीडीएफ डाली है राजस्थान जीके की, जो बहुत ही शॉर्ट नोट है, मतलब शॉर्ट नोट से कहना चाहूँगा, मतलब 40 पेज का है, ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं अपने रिवीजन के तौर पे। हिंदी की ट्रिकी जो पीडीएफ है वो भी आपको जल्दी देने की कोशिश करूँगा। और बाकी आप लोग अगर किसी भी की तैयारी कर रहे हैं ना तो आप टेस्ट डेली दिया करें। कभी अभी जो है ना हाल ही का जो मेरा शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी शेड्यूल है, कभी क्लास हो रही है तो कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, कभी क्लास नहीं हो पा रही मेरी खुद की वजह से, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ज़रूर हो रहा है। लेकिन आप लोग उन राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट की जो टेस्ट है, जो नोट्स है, उससे दूर ना होइएगा, वो आपके लिए कंटिन्यू हो रही है। उम्मीद करूँगा आप सभी उससे जुड़े रहेंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।